हेलो किड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल होमवर्क। आज हम सुनेंगे एक चालाक लोमड़ी और सारस की कहानी। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरे जानवरों को सताने में बहुत आनंद आता था। वो रोज कोई ना कोई नई युक्ति सोचती और उसमें किसी ना किसी जानवर को फंसा कर मजे लिया करती थी। सारे जानवर उसका स्वभाव समझ चुके थे, इसीलिए उससे कन्नी काटते थे। एक दिन लोमड़ी की नजर जंगल में रहने वाले सारस पर पड़ी। वो सारस के पास गई और बोली, लगता है तुम इस जंगल में नए आए हो, तुम्हारा इस जंगल में स्वागत है। सारस ने उसका धन्यवाद कहा। लोमड़ी ने सारस से मित्रता का प्रस्ताव रखा और दूसरे दिन अपने घर भोज के लिए आमंत्रित करा। सारस ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन भोज पे जाने के लिए भी तैयार हो गया। सारस दूसरे दिन उसके घर जा पहुंचा। लोमड़ी ने सारस से कहा, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर बनाई है, और दो तस्तरियों में वो खीर परोस लाई। लंबी चोंच होने के कारण सारस कुछ ना खा पाया और लोमड़ी सारी के सारी खीर चट कर गई। उसने सारस से कहा, अरे तुमने तो कुछ नहीं खाया। सारस अपमान का घूंट पीकर रह गया और लोमड़ी से बोला, मेरे पेट में दर्द था इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन भोज के लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन अब तुम्हें कल मेरे घर भोज पे आना होगा। लोमड़ी ने भी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन भोज पर जाने के लिए तैयार हो गया। जब वो सारस के घर पहुंचा तो सारस ने लोमड़ी से कहा, मैंने भी खीर बनाई है, आओ खीर खाते हैं। उसने दो लंबी गर्दन वाले बर्तन में खीर परोस दी। लोमड़ी उस बर्तन से कुछ ना खा पाई और सारस लंबी चोंच होने के कारण सारी खीर चट कर गया। लोमड़ी भी समझ चुकी थी कि सारस ने उससे बदला लिया है। तो बच्चों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और न्यू स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।